हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स ऑन ट्यूब्स। और मैं हूं प्रियंको, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। और आज मैं यूट्यूब का जो फेयर यूज़ है उसके बारे में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो एक्चुअली 4 टिप्स है, तो वो मैं आज देने वाला हूं। और यूट्यूब का फेयर यूज़ के बारे में सब किसी का मन में एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब क्या मैं दूसरा का वीडियो यूज़ कर सकता हूँ, व्हाट इज़ फेयर यूज़। ठीक है, एक्चुअली फेयर यूज़ क्या है इसके बारे में, एक्चुअली फेयर यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में सबको बहुत कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉयर नहीं है, हम लोग तो सिर्फ वीडियो क्रिएटर है। मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू से मैं जितना देखा हूँ वही मैं आज आपका ये वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा, और आपको थोड़ा बहुत टिप्स भी दूँगा। और ये वीडियो का एंड में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे को एक्सपीरियंस मेरे को मिला है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 2 टिप्स देने दूंगा, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आशा करता हूं कि आप हेयर यूज़ के अंदर ही रहेंगे और आपका वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अगर आप नया व्यूअर्स है और अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहे हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा अपकमिंग जो जितना सारा वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यूट्यूब फेयर यूज़, फेयर यूज़ क्या है? क्या मैं दूसरा का वीडियो मेरा खुद का वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ? क्या मेरा वीडियो में दूसरा का वीडियो लगाने से मैं फेयर यूज़ का अंदर ही पढ़ूंगा? क्या फेयर यूज़ में कोई भी ट्रिक्स होते हैं कि वही ट्रिक्स यूज़ करने से मेरा वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने का कोशिश किया हूँ मैं वीडियो पे, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को एंड तक देखते रहें। हर एक कंट्री में अलग अलग फेयर यूज़ का अलग अलग पॉलिसी होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, और जो बाहर का जो जितना सारे यूट्यूबर्स है वहाँ पे मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो बिग बिग यूट्यूबर्स है उन लोगों का खुद का एक लॉयर रहते हैं, जो अगर कोई भी कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो वो लोग उसको फेस करते हैं, और कॉपीराइट क्लेम का जितना सारा टिप्स है और फेयर यूज़ का जितना सारा टिप्स है वो लॉयर उन लोगों को देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग तो न्यू यूट्यूबर है, तो इसीलिए अगर हम लोगों का वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो हम लोग पहले तो एक बार डिस्प्यूट जो क्लेम होते हैं वो तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर रिक्लेम होते हैं, अगर जो कॉपीराइट जो ओनर है वो अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग उसको कोर्ट तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे जाने से पहले ही हम लोगों को हार मानना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा झमेला में नहीं फंसना चाहते हैं। हम लोग इतना तो सिंगल हम लोग तो सिंगल वीडियो क्रिएटर है, क्योंकि हम लोगों का कोई भी MNC कंपनी नहीं है, हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी का ओनर भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग लॉयर रख सकते हैं। तो मैं आज YouTube का जो 4 फैक्टर्स है फेयर यूज़ के बारे में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूँगा। YouTube का पहला जो फैक्टर है वो है द पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ द यूज़, इंक्लूडिंग वेदर सच यूज़ इज ऑफ द कॉमर्शियल नेचर और इज फॉर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस। मतलब यहाँ पे YouTube बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी का वीडियो को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी ओनर का वीडियो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स मतलब जैसे कि देखिए, आप जो ओरिजिनल जो वीडियो का कंटेंट है, ठीक है, अगर आप उस वीडियो का कोई भी कंटेंट और कोई भी क्लिप लेके आप नया वीडियो बना रहे हैं और नया वीडियो का जो टॉपिक है पूरा अलग हो गया, मतलब उसका मीनिंग ही पूरा अलग हो गया, तो ऐसा अगर हो गया है तो कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं, YouTube बोल रहे हैं। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कमेंट्री दे रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप किसी का वीडियो को, लेकिन अगर उसका मीनिंग पूरा अलग हो जाते हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। बहुत जगह दिखा गया है कि YouTube का मतलब जो ओनर है, जो वीडियो का ओनर है, YouTube का वीडियो का जो ओनर है, तो वहाँ पे वो कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। अगर कब कर सकते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर देखा गया है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी का वीडियो को उठा के वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से दिखा के आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो की यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब में मोनेटाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका कोई भी रिएक्शन मतलब कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे यूट्यूब बोल रहे हैं द नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क।
मतलब कॉपीराइट जो वर्क है उसका नीचे पैसा होता है, मतलब आप जो वीडियो जिसका पास से आप ले रहे हैं, मतलब जिसका वीडियो आप ले रहे हैं वो कैसा मतलब वीडियो है होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़, कोई भी रिपोर्ट्स, अगर वहाँ से आप न्यूज़ लेके उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके, मतलब वहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे भी ज़्यादा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि एक देखिए एक मैं वीडियो का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक वीडियो है, आप वहाँ पे टीवी न्यूज़ का रिपोर्ट है वहाँ पे, वहाँ से आप ले लेते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे एक आप इंफॉर्मेशन डाल के, आपका खुद की इंफॉर्मेशन डाल के उसका उसके ऊपर आपका कोई अगर कोई भी कमेंट्री है, कोई भी क्रिटिसिज्म है तो वहाँ पे वो डाल के आप उसको अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी गाना, कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग, कोई भी हॉलीवुड का सॉन्ग, अगर आप कोई भी इंग्लिश हो बंगाली हो कि हिंदी हो, कोई भी सॉन्ग अगर आप वहाँ से डाल मतलब आपका वीडियो पे डालते हैं तो वो कॉपीराइट क्लेम के हिसाब से मतलब फेयर यूज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं, आपका जो मेन जो ओनर है, ठीक है, उसके साथ रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका परमिशन चाहिए, वो अगर परमिशन नहीं देते हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड फैक्टर में इंटू बोल रहे हैं कि द अमाउंट एंड सब्सटेंशियलिटी ऑफ द पोर्शन यूज इन रिलेशन टू द कॉपीराइटेड वर्क एज ए होल, ठीक है, उसका मतलब है अगर आप कोई भी वीडियो लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए बहुत सारा सोर्स से वीडियो लेने के लिए, अगर आप बहुत सारा सोर्स से आप वीडियो लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो लेके उसके बाद अगर आप उसको कंबाइन करके आपका पूरा वीडियो में फैला देते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं तो आपका मतलब ये वीडियो फेयर यूज़ के अंदर आएगा। अगर आपका 10 मिनट्स का वीडियो है तो उसमें आप पूरा 10 मिनट्स का जगह जो है, मतलब पहले एक मिनट के बाद एक मतलब एक वो थोड़ा सा 15 सेकंड्स का क्लिप डालिए, उसके बाद दो मिनट की, चार मिनट के बाद आप और एक 15 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का क्लिप डालिए, ऐसे करके पूरा वीडियो में आप फैला दीजिए आपका क्लिप्स को, तो आप ऐसे करेंगे तो आप यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल चीज़ भी है, जैसे कि देखिए एक मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप जो वीडियो ले रहे हैं, जो ओरिजिनल वीडियो है, उस ओरिजिनल वीडियो का जो मेन फोकस पॉइंट है, अगर वहाँ से आप क्लिप उठा लेते हैं तो उस वीडियो का तो मीनिंग ही लैप्स हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है, तो इसको अगर आपका वीडियो पे यूज़ करते हैं वो 30 सेकंड्स हो या 15 सेकंड्स हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो ओरिजिनल हार्ट मतलब ओरिजिनल जो वीडियो है उसका जो अगर हार्ट पॉइंट जो है उसको अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं आपका वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। चौथा फैक्टर में यूट्यूब बोल रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ द यूज़ अपॉन द पोटेंशियल मार्केट फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, मतलब आपका जो वीडियो आप ओरिजिनल वीडियो से आप जो क्लिप्स लेके आपका वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका वीडियो ज़्यादा व्यू कर गया ओरिजिनल वीडियो से, मतलब आप ओरिजिनल वीडियो से थोड़ा क्लिप लाके आप एक नया वीडियो बनाया, वहाँ पे आपका खुद का क्रिएटिविटी डाला वहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपका वीडियो मतलब व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका वीडियो पर व्यूअर्स भी ज़्यादा आएगा और आपका अर्निंग भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका अर्निंग ज़्यादा होना शुरू हो गया, आपका वीडियो पे व्यूअर्स आना ज़्यादा शुरू हो गया और ओरिजिनल वीडियो से भी ज़्यादा हो गया तो ओरिजिनल वीडियो का जो ओनर है वो क्लेम कर सकते हैं, और अगर क्लेम करते हैं तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं आपका वीडियो पे, ठीक है। तो इसलिए ये चार जो मैं फैक्टर में आपको बोला कि जो जितना सारा यूट्यूब में ही बोला है आपको, तो उस चार फैक्टर को, यूट्यूब का जो चार फैक्टर है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आज जो दो बोनस टिप्स मैं आपको दूंगा उसके बारे में मैं बोला था पहले, और दो बोनस टिप्स का पहला टिप्स है, आप जो दूसरा का वीडियो आप जब भी लेते हैं, ठीक है, तो यूज़ कीजिए क्रिएटिव कॉमन्स जो सेक्शन है, क्रिएटिव कॉमन्स मतलब आपके यूट्यूब का जो जब भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आते हैं ऊपर, वहाँ पे आप क्रिएटिव कॉमन्स क्लिक करेंगे तो क्रिएटिव कॉमन्स का ही जितना सारा वीडियो है वहाँ पे शो करेगा। क्रिएटिव कॉमन्स मतलब आप रीयूज़ कर सकते हैं उस वीडियो को, तो इस वीडियो को आप यूज़ कीजिए। तो आपको मतलब मैं बोलूँगा कि आपको पूरा है आपको मतलब सिक्योरिटी आपको मिलेगा यहाँ पे,
लेकिन 60% तक आपको सिक्योरिटी मिल सकते हैं, क्योंकि जो जो भी आदमी क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन के अंदर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, वो लोग दूसरी बार उस वीडियो को नहीं देखते हैं कि कौन यूज़ कर रहे हैं कौन नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक चीज़ कि अगर आप भी आप यूट्यूब कॉमन्स को कॉमन से कोई भी वीडियो उठा के आप वहाँ पे यूज़ करते हैं तो डीटो कॉपी मत कीजिए, ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, उसके बाद उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। और दूसरा जो टिप्स है, प्लीज़ यूज़ वीडियो एडिटर टूल्स, ठीक है, यूट्यूब का जो फ्री एडिटर टूल्स है, वीडियो एडिटर टूल्स, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ वीडियो एडिट कीजिए, ठीक है। पहले आपका जो खुद का जो वीडियो है उसको पहले अपलोड कर लीजिए, उसके बाद क्रिएटिव कॉमन्स का जितना सारा वीडियो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे दोनों को मर्ज कीजिए, उसके बाद आप एडिट कीजिए, उसके बाद ही आप अपलोड कीजिए, ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ इस टिप्स को फॉलो कीजिए और आशा करता हूँ आपको इन फ्यूचर में फेयर यूज़ के जो इतना सारा सवाल है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपका मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मेरे को कमेंट्स कीजिए, और मेरा फेसबुक पेज में जाइए, फेसबुक पेज में भी मेरे को जो फैन पेज है वहाँ पे जाके भी मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा वेबसाइट tipsontubes.blogspot.in मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके मेरे को क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप भी लो, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगला वीडियो पे आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।